नमस्कार दोस्तों, एसी एडीसी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिले क्या होता है। दोस्तों रिले आपने अक्सर देखा होगा अपने स्टेबलाइजर के अंदर, पेट्रोल पंप के मशीन्स के अंदर। दोस्तों ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में ऑटोमेटिक वोल्टेज को एडजस्ट करने का काम भी रिले ही करता है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये रिले क्या है और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिले क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला कि रिले क्या होता है। तो दोस्तों रिले को अगर हम आसान भाषा में समझें तो दोस्तों रिले एक स्विच होता है, वही स्विच जो अक्सर आपके घरों के बोर्ड में लगा होता है, स्विच जिसे आप मैनुअली प्रेस करते हैं अपने लाइट फैन या किसी और उपकरण को चलाने के लिए। तो दोस्तों रिले भी एक स्विच होता है। अंतर बस इतना है कि आप अपने स्विच को मैनुअली ऑन करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑन होता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच आप इसे बोल सकते हैं। कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक, अगर मैनुअली आप हाथ से मतलब मैनुअली भी डाल सकते हैं या किसी सर्किट बोर्ड के थ्रू आती है और किसी सेंसर्स के थ्रू सेंस करके, और जब उसको ड्राइवर एक रिले को ऑन करती है तो वो रिले ऑन हो जाता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सैंपल के तौर पे कुछ रिले दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये है मेरे पास 25 एम्पीयर का रिले, ये ऑपरेट होता है दोस्तों 24 वोल्ट पे। जैसा कि दोस्तों आप इसके ऊपर देख सकते हैं ये 24 वोल्ट डीसी, और दोस्तों ये है मेरा 25 एम्पीयर, यानी 25 एम्पीयर की अगर हमारे यहाँ लोडिंग कैपेसिटी है तो ये रिले को हम काम में ले सकते हैं। दोस्तों ये रिले आप देख सकते हैं, ये रिले है हमारी 12 वोल्ट डीसी, यानी ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होगी, और दोस्तों ये 5 एम्पीयर का है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये 5 एम्पीयर का है। दोस्तों ये है मेरे पास 60 एम्पीयर का रिले, और दोस्तों ये है, ये भी सेम ही 5 एम्पीयर का रिले है, लेकिन दोस्तों इसमें फर्क है। दोस्तों ये ट्रिपल कॉन्टैक्ट रिले है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है सिंगल कॉन्टैक्ट और ये है ट्रिपल कॉन्टैक्ट रिले, मैं इसके बारे में भी आपको आगे बता रहा हूँ। और दोस्तों और आप जो ये पीसीबी के ऊपर ये छोटे साइज में देख रहे हैं ये भी दोस्तों है रिले, ये 10 एम्पीयर का रिले है, ये 12 वोल्ट डीसी करंट पे ये ऑपरेट हो सकती है। दोस्तों चलिए रिले के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। दोस्तों रिले को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ कि दोस्तों ये है हमारा सिंगल वे। दोस्तों ये है मेरा सिंगल वे जो स्विच होता है, मैनुअल स्विच होता है, उसका है ये ग्राफिकल सिंबल। दोस्तों इस तरह से डबल पोल स्विच जो होता है उसका दोस्तों कुछ इस तरह का ग्राफिकल सिंबल होता है। दोस्तों जब ये पोल यहाँ पे आती है तो ये स्विच ऑन हो जाता है, और दोस्तों ये डबल पोल में जब ये ऊपर की तरफ होती है तो ये हिस्सा ऑन होता है, और दोस्तों जब ये नीचे की तरफ अगर हम स्विच को करते हैं तो ये सिरा ऑन हो जाता है। दोस्तों ये तो हुई स्विच की बात, अब हम बात करते हैं रिले की। दोस्तों रिले जो होता है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का रिले में भी एक स्विच होता है डबल पोल स्विच की तरह, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों ये स्विच का मेन पोल हो गया, जैसे आपका यहाँ पे टू वे स्विच का ये मेन पोल है, वैसे इसका मेन पोल होता है ये। दोस्तों ये होता है एनसी नॉर्मल क्लोज, यानी कि नॉर्मली अगर आपका रिले अभी ऑफ हो, जिस टाइम ऑफ की कंडीशन में होता है वो उस टाइम ये इसके साथ टच में होता है। और दोस्तों जब रिले में हम यहाँ पे लाइन डालते हैं तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये नीचे की तरफ आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा रिले, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों जब हम इसमें लाइन डालते हैं यहाँ और यहाँ सबसे नीचे वाले दोनों पोल पे लाइन डालते हैं तो दोस्तों ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है लाइन, और दोस्तों इसमें मैग्नेट बन जाता है इसके अंदर,
और ये जो पट्टी होती है ये चिपक जाती है। और दोस्तों यहाँ पे है ये स्विच का पॉइंट, ये नॉर्मली क्लोज्ड पे होता है, ये इसका मेन पोल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका मेन पोल है, ये मेन पोल है बीच वाली। दोस्तों जब ये ऊपर जाती है तो इसके साथ ऑन होती है, और जब ये नीचे जाती है तो इसके साथ ऑन होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि दोस्तों यहाँ पे ये होता है मेन पोल, ये होता है एनसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, और ये होता है एनओ नॉर्मल ओपन। दोस्तों जब ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे आती है तो आपका रिले ऑन होता है। दोस्तों हम इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिले में मैंने ये नीचे वाले पोल पे एक ये 12 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया हूँ, और मैं दूसरे को यहाँ पे सटाता हूँ तो ये रिले ऑन हो जाती है। दोस्तों इसी तरह ये ऑन ऑफ होती है, यानी जब हम इसमें 12 वोल्ट डीसी लाइन अगर देते हैं तो ये ऑन हो जाती है, इसके साथ नॉर्मल ओपन के साथ ऑन हो जाती है। वैसे जिस टाइम इसमें लाइन नहीं होती तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है। दोस्तों ये जो आप रिले देख रहे हैं पीसीबी के ऊपर लगा है, दोस्तों ये छोटे साइज का रिले है, ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला रिले है और ये 10 एम्पियर का रिले है। चलिए हम इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप किसी भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के रिले पे डायरेक्टली लाइन नहीं लगाएं। ये बोर्ड मेरा चूंकि खराब था इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें लाइन डाल के आपको दिखा दिया। दोस्तों अगर आपको कभी इस रिले को चेक करना हो तो आप इसे बाहर निकालें और उसके बाद चेक करें। दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा, दोस्तों इस बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रिले का आपके मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा वायर है और नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन और मेन वायर कौन सा है। दोस्तों इस रिले का ये दोनों किनारा वाला जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ये दोस्तों है मैग्नेटिक फील्ड का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोस्तों इसका मेन पोल है, ये मेन पोल, और दोस्तों ये हो गई आपकी एनओ और ये हो गई आपकी एनसी नॉर्मल क्लोज्ड और ये नॉर्मल ओपन, ये मेन लीड और दोस्तों ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। दोस्तों इसके बाद देखिए ये है 60 एम्पियर का रिले, ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकती है, ये सिंगल पोल है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पोल देख रहे हैं ये है एनसी नॉर्मल क्लोज्ड, और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल ओपन, और दोस्तों इसके मैग्नेटिक फील्ड की कनेक्शन यहां पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप एक बात और जान ले, जब भी कभी आपको कोई रिले देखने को मिले तो आप गौर से उस पे देखें, उसके ऊपर आपको उसका डायग्राम आपको दिख जाएगा। दोस्तों ये सिंगल कॉन्टेक्ट रिले है, तो दोस्तों इसमें सिंगल स्विच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों ये ट्रिपल कॉन्टेक्ट रिले है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 स्विच देखने को मिलती है डायग्राम के ऊपर और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों जिस तरह से इसकी लूप बाहर की तरफ निकली हुई है उसका डायग्राम आपको इसके ऊपर दिख जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप खोल के देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों आप इस तरह से जान गए हैं कि रिले किस तरह से काम करती है, रिले क्या है। दोस्तों रिले एक इलेक्ट्रिकल स्विच है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसकी फंक्शन को आप समझ गए। और दोस्तों इसका उपयोग किस तरह से करना है
तो दोस्तों ये आपको आपके सर्किट के हिसाब सर्किट पे डिपेंड करता है कि आपको ये किस जगह लगानी है। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर या मैनुअल स्टेबलाइजर में भी इसका उपयोग करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस रिले की वीडियो पहले बना ली ताकि आपको आगे समझने में कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।